हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अभी है इवनिंग का टाइम और इवनिंग के बज रहे हैं 7। देखो 7 बज रहे हैं, तो इवनिंग के बज रहे हैं 7 और हम जा रहे हैं कहीं बाहर। तो कहाँ बाहर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पार्लर अपने आईब्रो बनवाने। तो आज टाइम मिल गया तो मैंने कहा चले जाते हैं, क्योंकि एक ख़ास दिन भी आने वाला है। वो आपको अगले वीडियो मतलब आने वाले वीडियो में पता लगेगा कि कौन सा ख़ास दिन है। तो अब टाइम ज़्यादा नहीं है तो मैंने कहा चलो आज टाइम है। पति देव जी भी घर पे ही मतलब छुट्टी थी हस्बैंड जी की, तो घर पे ही हैं, तो मैंने कहा इनको लेके जाती हूँ और अपने जो भी मेरे को थोड़ा बहुत काम है वो करके आती हूँ। तो आईब्रो बनवाने जाऊँगी और थोड़ा बहुत सामान लेना है वो भी लूँगी। तो चलिए हमारे साथ चलिए, देखते हैं क्या क्या करते हैं। जो जो करेंगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिए करें। जो लाइक नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है लाइक करें, और सब्सक्राइबर का बटन है प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है गाइस। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बकबक ना करते हुए चलते हैं यार बाहर, क्योंकि इसके डैडी वेट कर रहे हैं नीचे। और ये देखो ये बाबू क्या कर रहे हो। बाबू भी चल रहा है, बाबू के भी मज़े आ जाते हैं, हमारे साथ घूमने को मिल जाता है। वैसे तो घर में रहता तो टीवी देखता रहता है। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ हम आ गए हैं पार्लर में और हमें आईब्रो बनवानी थी अपनी। तो ये हमारे घर के पास ही है तो हम यहीं पे आते हैं। तो हमने कहा चलो पहले सीधा आईब्रो बनवाने ही चलते हैं, उसके बाद जाएंगे जहाँ भी जाना है। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं अपनी आईब्रोज बनवाने के लिए। तो गाइस अब हम आए हैं घर, तो हम अपने घर आ गए और आईब्रो देखो हमने बनवा ली। और हम वहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमारा फ़ोन हो गया था फुल, तो नहीं बना पाए। और देखो यहाँ पढ़ाई चल रही है, बाबू की मोबाइल से पढ़ाई चल रही है और यूवी की पढ़ाई चल रही है। यूवी हेलो करो, यूवी फिर देख ले, पहले हेलो करो, ऐसे हेलो करेगी। अब मैं तेरे को लूंगी नहीं। यांसु हेलो करो, हेलो यांसु। देखो फोन में लगा, यहाँ पे भी फोन में लगा हुआ है। देखो जोरदार पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, इतनी जोरदार पढ़ाई हो रही है कि किसी को ध्यान भी नहीं है हमारा। हमारे पति कौन सी क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी क्लास की? मेरे पति थर्ड क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, दोबारा से करवा रहे हैं। देखो ट्यूशन पढ़ा रहे योगे को। यू भी पढ़ाई कर रहे, देखो अच्छी अच्छी है। अरे काजू नमस्ते तो कर दो भाई यार, नमस्ते करना सिखाएंगे पहले, संस्कारी बनाएंगे पहले। काजू से मिल लो सब लोग हमारी। और ये हमारी आरू जो पढ़ाई कर रही है, फर्स्ट आके दिखाएगी क्या खा रहे हो दोनों के दोनों, जल्दी दिखा मैं क्या खा रहे हो। ये देखो बाबू, देखो कितना खुश हो गए यहाँ के। काजू तुम क्या खा रही हो? कुछ भी नहीं, लॉलीपॉप मेरी है। कासू डांस करके दिखाएगी अब, कासू नाच के दिखाओ। गैर वाली नाचो, देखो दोनों करेंगे गैर वाली नाचो। कासू तो बैठ गई, ये देखो मैंने सिखाया गैर वाली नाचो। दुगु कासू तुम भी नाचो, दुगु कासू नहीं तो सिखाया। कासू तुम नहीं नाच रही, मुंह पे क्या लग रहा है साई साई सी? पतली ऐसी पतली हो गई है नाच नाच के, ऊपर से खाती है नीचे से पेट कम करती है। देखो हमारा रियांशु चक्कर मार रहा है। रियांशु तुम चक्कर क्यों मार रहे हो इतने? कासू बाय, हम जा रहे बाय। आ जाओ यूवी, देखो हमारी यूवी पानी भर के ला रही है। चलिए कैसे रही है। तो गाइस अब हम आ गए हैं घर और घर आके हमें करना है काम, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी और आ गए, ज़्यादा वहाँ रुके नहीं क्योंकि घर पे आके हमें खाना वगैरह भी बनाना था। तो कहीं भी चले जाओ घर आके तो काम करना ही पड़ता है। तो अभी खाना भी नहीं खाया है क्योंकि खाना बनानी है, तो खाना बनाना है, सब्जी तो रखी है, रोटी बनानी है। और रोटी बनाने के लिए आटा वाटा बनेगा तभी रोटी बनेगी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से पहले बात कर लेते हैं, जस्ट अभी आए हैं और थोड़ी देर बैठे, उसके बाद मैंने कहा चलो अब थोड़ा आपसे बातें करते हैं।
और यहाँ हमारा बाबू भी है, शैतान शैतानी कर रहा है जो टीवी देख रहा है बस। बाबू बाबू सब आपको बुला रहे हैं, इधर आओ, इधर आओ बाबू, इधर हमारा बाबू, बाबू इधर आ जाओ। बाबू के बड़े नखरे हो गए हैं, देख लो जरा, अब आता भी नहीं है ब्लॉग में, देख लो मेरे साथ। बाबू आपको कोई बुला रहा है, देखो वहाँ पे आंटी बुला रही है, आंटी को बोलो हेलो आंटी, हेलो आंटी, सुनते भी नहीं है गंदा बच्चा। वाओ ये क्या हो रहा है? तो गाइस ये देखो क्या क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो बाबू? ये अपने पापा का वो ले लिया है शॉर्ट्स और कह रहा मैं पहनूंगा। बाबू आप पहनोगे अपने डैडी का शॉर्ट्स? तो देखिए गाइस हम आ गए हैं किचन में और हमारा आटा वगैरह भी गूंद दिया है हमने और यहाँ हमारी बन रही है फटाफट से रोटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लेट हो जाता है और आज हम बाहर गए थे तो वैसे भी टाइम हो ही गया, तो बस ऐसे ही अपने लिए टाइम निकालते हैं गाइस, क्या करें, काम भी ज़रूरी है और बाहर का काम भी ज़रूरी है, तो दोनों को ऐसे ही मैनेज करते हैं। तो आके यहाँ फटाफट से हम बनाएंगे खाना और उसके बाद हमारे बर्तन भी बहुत सारे पड़े हुए थे तो यहाँ बर्तन भी मांज लेंगे। तो गाइस कहीं भी चले जाओ ये ड्यूटी तो निभानी ही निभानी है, क्या करें, इस ड्यूटी से कभी छुट्टी नहीं मिल सकती, इस नौकरी में ना कोई पैसा है और फिर भी नौकरी करनी पड़ती है। ये रहा मेरा बाबू, ये रहा, हेलो गंदू बाबू, बाबू सबको बाय कर दो, बोलो मैं सोने जा रहा हूँ, बाय। थ्री फाइव सिक्स मेरा बच्चा, बाबू बोल दो मैं सोने जा रहा हूँ। क्या हुआ बाबू, बाबू को नुनू आई है? नो। तो गाइस हमारा काम वगैरह तो सब हो गया है और अब हम सोने को आए हैं और अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि यही कपड़े लास्ट में क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमारे नाइट के कपड़े हैं, टी शर्ट और पजामा दो। आ जा आ जा, मेरा बाबू रो रहा है, देखो रो रहा है मेरा बेटी, खेलते खेलते रोने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है। तो नाइट में हमें यही कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए यही हम ज़्यादातर हमारे दिखते हैं। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट।